आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मजेदार और बहुत हेल्दी पावर बार्स। देखिए कैसे बनेंगी। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन पर कमेंट्स करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक ज़रूर करना है। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी पावर बार्स की रेसिपी। पावर बार्स कैसे बनेंगी, पावर बार्स होती क्या है, एक्चुअली ये पावरफुल बार्स होती हैं क्योंकि ये इसमें इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई एडिड शुगर नहीं है इसमें और इसके बावजूद ये बहुत मीठे और बहुत मज़ेदार एक बार होती है। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, जो कि आपको बहुत देर तक सेटिस्फाइड रखेगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, वॉक करते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा फिजिकल काम करते हैं जिससे पहले हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो ये पावर बार्स आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी देंगी और बहुत देर तक वो एनर्जी कायम रहेगी। और इसके साथ इसे पावर बार्स इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, इसकी वजह से हमारे ब्रेन का पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्पेशली बच्चों का। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक है, बच्चों को आप ब्रेकफास्ट में भी ये स्नैक दे सकते हैं, आप बच्चों को बीच में जब भी बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं, कोई स्नैक खाना चाहें, इनफैक्ट जो चॉकलेट्स और मिठाइयाँ और केक्स और ये जो चीज़ें हैं ना, आप यकीन करें ये आप बनाएं और खाएं, आप उन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। और अक्सर हम लोगों के घरों में जाते हैं, कुछ तोहफे वगैरह लेकर जाते हैं, मतलब कि मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, केक्स वगैरह, उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप इन बार्स को तोहफे के तौर पे भी दे सकते हैं। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से इस बार्स को आप पैक करें और प्रेजेंट करें ताकि आप इसे तोहफे के तौर पर भी दे सकें और जिनको भी आप दे रहे हैं वो भी बहुत ही हेल्दी चीज़ें खाएँ। तो देखिए ये पावर बार्स किस तरह से बनेंगी, क्योंकि आज तो मैं स्पेशली अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, वो बहुत शौक़ से खाता है, तो उसके साथ मैं भी खा लूँगी। देखिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बादाम यानी आमंड्स 100 ग्राम्स, वॉलनट्स 100 ग्राम्स, ये खजूरें हैं, डेट्स जिसमें से मैंने पिट निकाल दी है और उसको घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था, और ये हैं रोल्ड ओट्स 25 ग्राम्स, ये हैं सनफ्लावर सीड्स 25 ग्राम्स, ये हैं गोंद जिसे कहा जाता है, गम हर्ब जिसे भी कहा जाता है 25 ग्राम्स, ये हैं फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीच 10 ग्राम्स, ये है श्रेडेड अनस्वीटन कोकोनट 10 ग्राम्स, और ये है पॉपी सीड्स जिसे खशखाश कहा जाता है, ये भी 10 ग्राम्स, और ये है हनी, ऑर्गेनिक प्योर हनी है 25 ग्राम्स, और ये इलायची का कार्डमम पाउडर है 1/2 टीस्पून। अब सबसे पहले हम गोंद को हल्का सा सेंक लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, और इस तरह से आप थोड़ी देर में देखेंगे इसका रंग बदलने लगेगा, और उसके बाद आप इसमें फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और कोकोनट और इसके साथ सनफ्लावर सीड्स और ओट्स ये ऐड कर लीजिए, उसको हल्का हल्का सा टोस्ट कर लीजिए, सेंक लीजिए ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब इसे आप थोड़ी देर के बाद किसी बर्तन में निकाल लीजिए, और बादाम जो है उसको हल्का सा मैं कूट रही हूँ ताकि ये ब्लेंडर को तोड़ ना दिए, चॉपर के ब्लेड को। अब बादाम के साथ मैंने अखरोट ऐड कर लिए हैं चॉपर के अंदर, और ये पहले से भीगी हुई खजूरें हैं ताकि सॉफ्ट हो जाएँ, और ये साथ में जो हमने टोस्ट किया था सारी चीज़ें उनको मैं हल्का सा चॉप करूँगी, बिल्कुल स्लाइटली, ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहें और ये बिल्कुल पाउडर ना बन जाए। ये पॉपी सीड्स में ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही हनी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप खजूरों को और शहद को स्किप करके अपना स्वीटनर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको जो चीज़ें आपके टेस्ट की हैं आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि शुगर इसमें बिल्कुल नहीं डालनी, ना ही मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, मैं सारी जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स, बहुत हेल्दी हेल्दी चीज़ें, सिर्फ हम वो डालेंगे इसमें। तो वो भी अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़रा कम डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर डायबिटिक हैं आप बिल्कुल ही शुगर नहीं खा सकते तो आप अपना स्वीटनर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब कोई ट्रे ले लीजिए जिस पर बटर पेपर बिछा दीजिए, इसके ऊपर एक और बटर पेपर का पीस रख के, और आप इसे बेल लीजिए। अब आप चाहें तो इसे डायमंड शेप्स में काट लीजिए,
या आप चाहें तो डिफरेंट मोल्ड्स के जरिए डिफरेंट शेप्स, जैसे हार्ट शेप हो गया जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, या डिफरेंट ओकेजन्स पर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप इस तरह के डिफरेंट शेप्स भी बना सकती हैं। आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे या कंटेनर में डालकर फ्रिज में 15 दिनों के लिए आराम से रख सकते हैं, या आप चाहें तो छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकती हैं इसके। अब वो देखिए कि मैं इसको किस तरह से पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर जा रही हूँ। तो अच्छा, अब डेकोरेशन के लिए ये कोकोनट है जिसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है रेड कलर का, ये आप देख रहे हैं, रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है और येलो कलर। इसी तरह से अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। कलरफुल डिस्पोजेबल प्लेट्स आती हैं, इसमें रखकर आप पैक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की कलरफुल एक फ्लोरल शीट है ट्रांसपेरेंट सी, उसमें भी आप कलरफुल से रिबन के साथ इसे पैक कर लीजिए। बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह से जब किसी को कोई गिफ्ट दिया जाए, उसको अच्छी तरह से पैक करके दिया जाए और गिफ्ट में हेल्दी चीज़ें हों, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। जिसको भी आप गिफ्ट दे रहे हैं उनको भी बहुत खुशी होगी। इस तरह से देखें आप ये प्लेट में, किसी भी कलरफुल प्लेट में आप गोल्डन कलर की रिबन से बांध दीजिए और ट्रांसपेरेंट शीट में, प्लास्टिक की शीट में, बहुत खूबसूरत लगता है। और इस तरह की गोल्डन रिबन से एक फेस्टिव लुक भी आ जाता है। इसी तरह से बहुत सारे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कंटेनर्स मिलते हैं इस तरह के, इसमें आप आराम से इन पावर बार्स को रखकर पैक करके दे सकती हैं। पेपर के कपकेक होल्डर्स होते हैं, ये एल्यूमिनियम की गोल्डन शीट है, जिस तरह से सिल्वर फॉइल आती है इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए, इसमें भी आप इसे रैप करके और छोटे से गोल्ड आप किसी कंटेनर में डाल के इस तरह से गोल्डन रिबन बांधकर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन पावर बॉल्स को आप किसी भी खाली प्लास्टिक के कंटेनर में रखकर खूबसूरत सी रिबन बांध दीजिए, उस पर बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें आती हैं। इस तरह से देखें, ये बटरफ्लाई आप लगा लें, कपकेक का एक गोल्डन कलर का पेपर होल्डर है उसमें भी आप डालकर इंडिविजुअल सर्विंग्स के लिए, समटाइम्स छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको हम गिव अवेज देते हैं घर में, बहुत सारे ओकेजन्स पर हम इस तरह की हेल्दी चीज़ें सकते हैं, हम बर्थडेज पर दे सकते हैं, न्यू ईयर आ रहा है उस पर आप गिफ्ट्स दे सकते हैं, आप शादियों की बहुत सारी रसूमात होती हैं जिसमें मिठाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जगह पर ये हेल्दी चीज़ें हम खा सकते हैं, बेबी शावर के तौर पर हम लेके जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें हम ये इन हेल्दी चीज़ों को अच्छी तरह से पैक करके प्रेजेंट कर सकते हैं, तोहफों के तौर पर दे सकते हैं और अपने फैमिली के लिए बना सकते हैं। खुद भी खाइए अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें जिससे आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि इस मिठाई के लड्डू में आपको मोस्टली अनहेल्दी कैलोरीज मिल रही हैं, जबकि इन पावर बॉल्स में आपको सारी हेल्दी कैलोरीज मिल रही हैं, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और गुड फैट्स जो आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को स्ट्रांग भी रखेंगी। तो अब जल्दी जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको ये पावर बार, और ज़रूर बनाइएगा, ट्रस्ट मी इतनी मज़े की बनती है कि आपने एक दफ़ा अगर बना ली ना आपको आदत हो जाएगी और आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, आपका दिल चाहेगा कि मिठाइयाँ विठाइयाँ तो आप खाएं ना, यही खाएं क्योंकि इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी कमेंट्स का। और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और बॉक्स में जो वीडियो नज़र आ रही है उसे भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी।